स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत ने पूरा अरब और लाल सागर घेरा। लाल सागर को तो घेरना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी महीने में दो बार वहां पे कुछ ना कुछ हुआ। पहली बार के दो दिन पहले वहां पे दो जो कार्गो शिप थी उसके ऊपर, वो लाल सागर में नहीं था लेकिन भारतीय वाला इलाका है वहां पे मतलब ड्रोन से हमला हुआ और लाल सागर में एक शिप को किडनैप किया था यूती विद्रोहियों के द्वारा और नाम दिया था कि उन्होंने बोला था कि ये ईरान की जो इजराइल का जो शिप है हमने किडनैप किया वगैरह। हाँ, और ये यूती विद्रोह का त्रास बहुत बढ़ गया है। 15 दिन से मतलब लगातार वो वहां पर हमले कर रहे हैं तो वो हमास के लिए। लेकिन कोई नहीं, चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पूरी दुनिया इस मैप को देख रही है। क्यों? क्योंकि ये मैप है लाल सागर और अरब सागर का और इसमें ये दिखाया गया है कि भारतीय नौसेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर कहां कहां युद्धपोत तैनात किए हैं। और कोई ऐसे वैसे युद्धपोत नहीं है, हम बात कर रहे हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर की। और जिन्हें नहीं पता तो नौसेना में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर से ठीक नीचे आता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर और भारत ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं यमन के हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। और इस तैनाती को देखकर दुनिया भर के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसा क्यों, आप खुद देख लीजिए। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं भारत का एक युद्धपोत INS कोलकाता तैनात किया गया है बिल्कुल लाल सागर के मुहाने पर। जिन्हें नहीं पता INS कोलकाता बहुत ही ज्यादा बड़ा, महंगा और खतरनाक हथियार है। इसकी तैनाती लाल सी के बिल्कुल मुंह पर करना एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हमने अपना दूसरा युद्धपोत तैनात किया है INS कोची नॉर्दर्न अरेबियन सी में, यानी कि आप देख सकते हैं ओमान पाकिस्तान के बीच का जो समुद्र है बिल्कुल वहां पर तैनात किया गया है। और इसके ठीक सामने अरब सागर का वो मुहाना है जहां से दुनिया भर का करीबन 40% तेल होकर गुजरता है। और क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि जो भारतीय शिप पर अब से 4 दिन पहले हमला हुआ वो हमलावर ड्रोन या मिसाइल ईरान की जमीन से आई है, इसलिए भारत ने ये युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है ताकि अगर भविष्य में उस इलाके की तरफ से भारत पर कोई भी ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है तो INS कोची उसे काउंटर करेगी और उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। तीसरी डिप्लॉयमेंट की गई है हमने भारत के उस इलाके में जहां पर अब से 4 दिन पहले शिप पर हमला हुआ था, वहां पर हमने 3 युद्धपोत तैनात किए हैं जिनमें से 2 हैं INS विशाखापत्तनम और INS चेन्नई। एक तरीके से ये चेक पॉइंट की तरह इस्तेमाल की जाएंगी कि कोई भी शिप आ रही है भारत में उसकी जाँच पड़ताल की जाए, अगर वहां पर किसी प्रकार का हमला उस पर हो जाता है तो उसे तुरंत मदद दी जाए और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक भी किया जाए हमलावर पर। इसीलिए 3 युद्धपोत सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे अरब सागर और लाल सागर पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, जासूसी करने के लिए हमने सी गार्डियन ड्रोन तैनात कर दिए हैं जो हमने अमेरिका से किराए पर लिए थे। इसके अलावा P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी सर्विलांस के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, हमने सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट ये करी है कि 4 शक्तिशाली मिसाइल युद्धपोत तैनात किए हैं। जी हाँ, मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिनमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं और ये ब्रह्मोस मिसाइलें जमीन पर भी हमला कर सकती हैं और हवा में किसी प्रकार का ड्रोन आ रहा है, लड़ाकू विमान आ रहा है, उसे भी मारकर गिरा सकती हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये युद्धपोत क्या पता कितने महीनों तक तैनात रहे। ऐसे में यहाँ पर जो क्रू मेंबर हैं उन्हें खाना पानी इनकी जरूरत पड़ सकती है, हथियारों की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए INS दीपक को तैनात कर दिया गया है जो इन युद्धपोतों को मदद करेगा इन मामलों में। यानी कि आप देखिए कि भारत ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि कई जो आरोप लग रहे थे कि ईरान हमले करवा रहा है, कोई कह रहा था हूती हमले करवा रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत को इस मामले में घसीटना चाहती है, वो हमले करवाकर भारत को भड़का रही है, तो भारत ने इस 7-पॉइंट फॉर्मूला से ना जितने भी युद्धपोत तैनात किए हैं उससे पूरा अरेबियन सी कवर हो गया है, पूरा का पूरा जो रेड सी है वो कवर हो गया है। यानी कि अगर कहीं से भी हमला होगा तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा और भारत उसे रोक देगा। लेकिन कई जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट
आम बात नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस लेवल के हथियार तैनात किए हैं, ऐसे हथियार अमूमन युद्ध जैसी स्थिति में तैनात किए जाते हैं दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि सरकार पाताल से भी हमलावरों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें सजा दी जाएगी और भारतीय नौसेना अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगी। इससे पता यह लगता है कि भारत इस बात की संभावना है कि हमलावर यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उन्होंने कोई भी हमला अब आने वाले दिनों में भारतीय शिप्स पर किया। हालांकि भारत सरकार के इस बयान और इस पूरी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत बदला लेगा इन हमलों का या फिर ये सिर्फ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बदला की तो पता नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिए तो 100% है। लेकिन जो दो सीट पर हमला हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जिसने भी किया है उसके साथ तो भाई बुरा वर्ग होने वाला है। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी करेगा, क्योंकि पूरा मतलब घेर लिया है। तो ये तो सागर और लाल सागर, ये तो करना पड़ेगा भाई। हमारा ये समझ लो कि बॉर्डर ही है वो, और वहां से भी ये हमला बढ़ेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा इलाका वहां पे भारत का है। जिस हिसाब से हमारा देश बड़ा है, उस हिसाब से सबसे बड़ा इलाका है हमारे पास, और वहां से ही ये जो लाल सागर है जहाँ से हम जो ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, उसी पे आती है, वो उन्हीं साइड से आती है, और वहाँ पे ही हमला होता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो भारत के साथ जो ट्रेड है वो बहुत सारी हो सकती है कि फिर ये खतरनाक इलाका बन जाए। ऐसा भी बहुत सारा इलाका है जहाँ पे शिपें नहीं चलती है, तो वैसा भी इलाका कुछ ना कुछ ये लोग है ना भारत को उकसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि इजराइल में जो चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि हूती विद्रोह वो सपोर्ट करते हैं गाजा को, जहां तक हमने न्यूज देखे उस हिसाब से, तो हो सकता है कि ये एक संदेशा भी देना चाहते हो। ठीक है, जिस हिसाब से आपने दिल्ली में देखा होगा कि इजराइल के एम्बेसी के ऊपर एक साइड में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक कागज रखा गया, उसमें जो सब कुछ चिट्ठी में लिखा था वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यही सुनने में आया कि बहुत खराब लिखा था। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारा देश स्ट्रांग हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सारी शक्तियां कोशिश करेगी कि हमें फिर से गिराने की, लेकिन भाई स्ट्रांग बन के हमें खड़ा रहना पड़ेगा। और हमारी नेवी सबसे खतरनाक है, और नेवी भी ताकतवर है, और नेवी ने डिप्लॉय कर दिए भाई, आपने देख लिया इस पूरा मतलब चक्र भी बन गया है, तो अभी कोई भी आएगा वो गिर जाएगा। हाँ, कोई आएगा ही नहीं जब ये वहाँ पे इतने सारे पॉइंट पे हमने कवर अप किया है तो। और ये सपोर्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे कंटे की सिप कंपनियों की जो सिपे है वो वहाँ से ट्रेड के लिए निकलती है। ठीक है, तो ये करना भी जरूरी है, और खास कर दुनिया को दिखाना भी पड़ेगा ना भाई। ऐसे ही तो थोड़ी है कि भाई हम आगे बढ़ गए तो बस हम बाकी बॉर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे, जो सुपर पावर बनने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।